और वो ये सवाल है कि हम लोगों का आखिरकार हमारा जो गोल है वो है क्या। शायद जब आप 11th में यहां आए थे तो मैं हर एक बच्चे के चेहरे पे एक ही बात देख रहा था, वो था आइदर आई हैव टू बिकम ए डॉक्टर और आई हैव टू बिकम एन इंजीनियर। लेकिन वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने कुछ चेहरे जो है वो उदास देखे, कुछ बच्चे ऐसे देखे जो डिप्रेशन के शिकार हो गए और कुछ बच्चे ऐसे देखे जो माशाल्लाह जिस टाइम पे वो तक्षशिला आए थे वैसे ही है जैसे वो आज है। तो बेटा ये जो बच्चे हैं जो वक्त के साथ साथ उदास होते गए और उनको लगा कि ये जो डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का जो हमारे पास एक सुनहरा मौका था क्या वो हमारे हाथ से निकल गया। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ बात की और मैं जब उनके साथ बात करता था तो उनका एक ही सवाल होता था, सर डिप्रेशन कर। और जब मैं उनके पेरेंट्स से मिलता था तो वो भी बस एक ही बात बोलते थे, बच्चों पढ़ाई की तो जरूरत क्या है, यूजर में और सेहत की जरूरत। एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम सेइंग दिस कि बेटा मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो फिर घर पे बैठ गए। लेकिन मेरा मन में बार बार एक ही सवाल उठता था, क्या मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है, क्या तक्षशिला से ऐसी कोई गलती हुई है कि जिसकी वजह से ये बच्चा या बच्ची जो है आज घर पे बैठ गई। और तुम यकीन नहीं करोगे, वल्लाह वल्लाह मैं कई रात उनको सोता नहीं था सिर्फ इस डर से कि कल को जब आखिरत में मुझसे ये सवाल किया जाएगा कि क्या तुम इसके रेस्पॉन्सिबल तो नहीं हो कि इस बच्चे का ड्रीम था और शायद तुमने इस ड्रीम को दबा दिया। और तुम यकीन नहीं करोगे शायद मेरे चेहरे पे जो वो रौनक थी ना वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी। और हर रोज मैं अपने मन में अपने आप से बस एक ही सवाल करता था कि कहीं तक्षशिला कहीं वसीम सर कहीं रहमान सर कहीं नजीर सर कहीं हरिश सर इसका जिम्मेदार तो नहीं। और अल्टीमेटली एक बार मुझे उस चीज का उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया और मैंने क्या देखा और मैंने वहां से मुझे जो आवाज मिली वो बात आप लोगों को बेटा सुनना जरूरी है। अगर आप ये बात नहीं सुनोगे वल्लाहु रहमान आप कल को मुझे ही दोष दोगे, कल को आप तक्षशिला को ही दोष दोगे कि शायद इन्होंने ही हमारे किए के साथ खेला था। वो बात क्या है बेटे, जब आप यहाँ आए थे आप लोगों के 10th में मार्क्स 400 प्लस थे, आपको ये लगता था कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप यहाँ आ गए वसीम सर क्लास में आया, वसीम सर ने आपको बोला बेटा फिजिक्स इजी है, वसीम सर आपको पढ़ा रहा था और जब वसीम सर आपको पढ़ा रहा था आप जब घर जाते थे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते थे, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टीचर फिजिक्स पढ़ाने आता था वो भी आपको समझाता था। लेकिन अल्टीमेटली एक दौरान आया, एक दिन आया जब एक टीचर दूसरे टीचर के बारे में बोलने लगा, आपको लगता था वो सिंसर कुछ नहीं पढ़ाता है, दूसरे को लगता था वो सर नहीं पढ़ाता था और एक्चुअली आप लोग डिप्रेशन के शिकार बन गए। मैंने अपने आप से पूछा क्या मैंने तो ऐसी कभी गलती तो नहीं की है कि कभी मैंने बच्चे को अपने फायदे के लिए अपना रिसोर्सेस बनाने के लिए कहीं मैंने बच्चे के कैरियर के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया, कहीं मैंने बच्चे के कैरियर को बलि का बकरा तो नहीं बनाया। तब मैंने सोचा और मैंने जब देखा मैंने अपने दिल पे हाथ रखा और मैंने देखा शुक्र है अल्लाह का कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। और बेटा शायद आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, बेटा सुनना गौर से सुनना, अगर मैं क्लास में आके तुमसे कह रहा हूँ बेटा आपने ये नहीं पढ़ा है तो मेरे जहन में ये बात आपके जहन में ये बात जरूर आनी चाहिए, कि ये टीचर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका कोई पर्सनल बैकग्राउंड तो नहीं। आपको लगता होगा बहुत सारे बच्चे मुझसे नाराज भी होंगे, मैं तो बेटा क्लास में ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, लेकिन आज मौका मिला है आज मुझे ये बातें करने दीजिए आप। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि वसीम सर ने
वसीम सर को हमने हजारों क्वेश्चन भेजे, व्हाट्सएप पे भेजे, वसीम सर ने कभी उनको सीन भी नहीं किया, उसने कभी उनको रिप्लाई भी नहीं किया। क्या कभी किसी बच्चे ने, जो बच्चा मुझे रात के 8 बजे के बाद व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजता था, क्या कभी आके उसने ज्यूरिंग तक्षशिला के वर्किंग आवर्स में मुझसे ये पूछा, सर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप पे क्यों नहीं दीजिए? क्या कोई आते थे? लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन तो भेजते थे, लेकिन नेक्स्ट डे तक्षशिला में आके मुझसे ये नहीं पूछते थे, बेटा सर आपने मुझे उस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया? शायद वो मौका आ चुका है बेटे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों की कॉल्स, मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे रिप्लाई क्यों नहीं करता था, क्योंकि मेरा जमीर इजाजत नहीं देता है मैं ड्यूरिंग ऑफ आवर्स में किसी बच्चे का फोन रिसीव करूं, किसी बच्चे को उसके क्वेश्चन का आंसर दे दूं। होता क्या है, अक्सर मैंने देखा है आप लोगों को वही टीचर पसंद आता है, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पे ना वो मुझसे क्या उनसे जलते ही होंगे। क्यों? क्योंकि ना तो मैं किसी बच्चे का फोन रिसीव करता हूँ और ना ही मैं किसी बच्चे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ। आप लोगों को भी ये बात पता है और आप लोगों को ये बात भी समझ आ रही है कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। देखिए बेटा, आप लोगों का और मेरा जो रिश्ता है ना वो तक्षशिला के अंदर है, वो तक्षशिला से बाहर नहीं है। हाँ, तुम अगर कहोगे तो मैं तुम लोगों के लिए दिन रात एक कर दूंगा, मुझे जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वसीम सर आपको उनको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का आंसर देगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वसीम सर आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस का रिप्लाई करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बेटा आप लोग अपने आप को पहचानो, आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोग कहाँ जा रहे हो। आप लोगों को मैं अभी इससे पहले भी कुछ बच्चों से बात कर रहा था, मैंने आप लोगों को एक ही बात बोली थी, बेटे अगर आप लोगों को अपना गोल अचीव करना है ना, अगर आप लोगों को अपना गोल अचीव करना है तो आप लोगों को बस एक ही काम करना है, अपनी आंखों के सपने अपने माँ बाप को रखो। जब आप लोगों को यह एहसास हो जाएगा कि बेटा कोई इंतजार कर रहा है मुझे डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंतजार कर रहा है मेरा इंजीनियर बनने के लिए, तो बेटा आप लोगों के अंदर वो तड़प खुद ब खुद पैदा होगी और खुद ब खुद आप उस गोल को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करोगे। लेकिन बेटा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा कि आप क्या करोगे, आप किसी को खुश करने के लिए अपने इन गोल्स को, अपने इस सक्सेस को सैक्रिफाइस करोगे। जैसे बेटे मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताऊंगा, बेटे ये बात कुछ तलक है, ये बदोलू जो है बहुत ही हार्श है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे कुछ बंधु को ये बात पसंद भी ना आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ बेटा, आप लोगों का करियर आप लोगों का करियर है, वो मेरा करियर बाद में है, सबसे पहले वो आप लोगों का करियर है। आप लोगों का करियर जो है ना बेटे वो किसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों का जो करियर है बेटे वो किसी से बढ़कर नहीं है बेटे। आप लोग अपना करियर बनाओगे ना बेटा, तो बेटा मेरी बात याद रखना, आप लोगों को अपना करियर बनाना है, किसी दूसरे का करियर नहीं बनाना है। और अगर आप लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही है तो आप लोग बहुत ही गरीब हो चुके हो। और लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो बातें आज तक इस तक्षशिला के बारे में बोली गई है उसके लिए मैंने एक चार यहाँ पे आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। प्रचार कुछ इस तरीके से है, न समझोगे तो मिट जाओगे ए तक्षशिला के दुश्मनों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए तक्षशिला के दुश्मनों, तुम्हारी दास्तान भी न रहेगी दास्तानों में।